जोन की लड़ाई के लिए बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन जमानत नहीं हो पा रही। हम लोगों की दो दिन पहले सरकार के साथ बात हुई थी, उस मीटिंग में महाराज सुखदेव वाघमारे जी थे, महाराज श्री वीर सिंह हितकारी जी थे, गुरु श्री के सी रवि जी थे, एम आर बाली जी थे, ऋषि पाल जी थे, रमेश जी थे, और इस आंदोलन का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उस मीटिंग में था। उस मीटिंग में केवल दो बातें चर्चा की थी, हम उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे जिस बड़े पदाधिकारी से हमारी बात हुई, लेकिन उस मीटिंग में जो अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी मीटिंग शुरू होने से पहले आए थे, और उस व्यक्ति को जिसके साथ हमारी चर्चा हुई सरकार का पक्ष बताकर चले गए थे। तीन वकील भी उस मीटिंग में थे। हमें भी इस बात का गुस्सा और क्षोभ है कि 3 सितंबर को 2 सितंबर को जो पहली मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, जिसमें सुखदेव वाघमारे महाराज जी गए थे, उसमें सरकार ने कहा था कि 4-5 दिन में बच्चों की जमानतें हो जाएंगी। 3 तारीख को जब बच्चों की जमानतों के लिए दरखास्त कोर्ट में गई, बच्चों की जमानत नहीं हुई। अभी पिछले 4 दिन लगातार 16 को, 17 को, 18 को, 19 को बच्चों की जुडिशियल कस्टडी में पेशी हुई, उसको सरकार ने फिर एक्सटेंड कर दिया। हमको एक बात समझने की जरूरत है, जो समाज एक होता है, जो एक नियत से कोर्ट में जाता है, जो एक बात कोर्ट में कहता है तो उसकी बात सुनी जाती है। सारे बच्चों के परिवार जानते हैं कि कई वकीलों के खेमे बन गए हैं, वो वकीलों के खेमे एक दूसरे के साथ खींचतान कर रहे हैं, और इस खींचतान में 1 महीना निकल गया है। यह समिति किसी के बीच में पड़ना नहीं चाहती थी। हमने सारे वकीलों पर यकीन किया, ईमानदारी के साथ कहा ये जो बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं शायद ये समाज के बच्चों की जमानतें करा लेंगे, और हम अपने मंदिर की लड़ाई के आंदोलन में लगे रहे। लेकिन जब 1 महीना होने को है तो आंदोलनकारी समिति के सामने यह बड़ा सवाल है कि क्या बच्चों की जमानत का काम आपस में सिर फोड़ने वाले वकीलों के हाथ में छोड़ दिया जाए? आप ही बताइए, क्या उन वकीलों के हाथ में छोड़ दिया जाए? तो समिति ने जो बैठक हुई 14 तारीख को, उसमें यह तय हुआ कि समिति अपने हाथ में इन जवानों की जमानत कराने की जिम्मेदारी ले ले, और आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए, हम इन सारे बच्चों की जमानत बड़े से बड़ा वकील लगा के करना चाहते हैं। और हम आपको, जैसे यह आंदोलन ईमानदारी से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, हम कोई फौजदारी करने के लिए अभी हजारों लोग इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहे। जिस आंदोलन को सरकार और पूरे मीडिया ने हिंसा का आंदोलन बता दिया था, आज सरकार को बात समझ में आ रही है
कि ये आंदोलन सबसे ज्यादा अनुशासित है और इस आंदोलन की बात को सुने बिना कोई फैसला हो नहीं सकता, ये सरकार मानती है। ये केवल आपके सहयोग से हुआ, केवल आपकी वजह से हुआ। हम तो केवल आपके सिपाही हैं, हम कोई आपके कमांडर इन चीफ नहीं है, हम आपके सिपाही हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके वॉलंटियर हैं। इस समिति में भाई साहब बैठ जाओ थोड़ी देर, आप बात सुन रहा बैठो, सुनो आप ही के लिए बता रहा हूं मैं, बैठो सुनो आप ही के लिए बता रहा हूं, आप ही के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है इसलिए सुन लो। जानकारी है जी, सब सुन लो, बैठ जाओ भाई। अब क्या है, जब हमने जिम्मेदारी ली, हमने 19 तारीख को, 18 और 19 को राजेंद्र जी को बात की थी हमने, 18-19 को जितने भी बच्चों के फोन परिवारों के नंबर हमारे पास थे, हमने वो नंबर कैसे इकट्ठे किए, हमें कोई नंबर देके नहीं गया बच्चों वाला। एक कार्यक्रम हुआ महाराज की कृपा से, महाराज जी के आदेश पे इंग्लैंड से रविदास इंटरनेशनल और रविदास एड वाले लोग आए, उन्होंने 55 परिवारों को 5.5 लाख रुपया बांटा, उन बच्चों को बांटा जो जेल में है, उनके परिवारों को बांटा, महाराज के आदेश पे हुआ। समाज ने पैसा दिया उस बात के लिए। हम यमुनानगर गए थे, अंबाला गए, हम अंबाला में सहा में गए, वहां पे एक बच्चा हमको मिला, उस बच्चे को महाराज की कृपा से तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता वहां दी गई। लेकिन ये सारा लड़ाई का जो वकील का मसला था वो दूसरा संगठन देख रहा था, उन्होंने कहा जी हम करा देंगे जमानत, हमने यकीन कर लिया। हम लोगों ने 19-20 तारीख को जब ये बच्चों के परिवार के लोग दिल्ली आए, सबसे फोन नंबर इकट्ठे किए हमने, और तुरंत हमने 19 तारीख को हर व्यक्ति से फोन किया हमने कि आप बताइए आपके बच्चे की स्थिति क्या है, क्या आपसे कोई मिलने आया, क्या आपके बच्चे के बारे में कोई जानकारी किसी ने ली। हमने ये भी बताया उनको कि 21 तारीख से पहले हम जमानत के लिए प्रयास नहीं करेंगे। आज 21 तारीख है, हमने इसलिए कहा क्योंकि 21 तारीख को हम बच्चों के एजेंडे को एजेंडे पे लाने के लिए सरकार के साथ तुगल का मार्च धाम करने वाले हैं सरकार के खिलाफ, ये हमने कहा। आज हम सब लोग यहां मौजूद हैं, हमने कहा 21 तारीख को जैसे कार्यक्रम खत्म होगा हम हर परिवार के घर जाएंगे, जिस परिवार का बच्चा जेल गया है उस हर दरवाजे पर जाएंगे और अपना सिर झुका के उनसे माफी भी मांगेंगे, उनको बढ़ाई भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे, उनसे वायदा भी करके आएंगे, आपका बच्चा हमारा बच्चा, आपके बच्चे की जमानत हमारी जिम्मेदारी है। ये प्रयास हमने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। हमें पता है इसमें तीन पक्ष हैं, एक वो परिवार जिसका बच्चा जेल में है, एक सरकार है, और एक पक्ष वो है जो कोर्ट कचहरी है। जो हमारी सरकार से बात हुई, सरकार के वकील ने हमको ये बताया कि साहब ऐसा है कि बच्चों के बारे में जानकारियां नहीं दी जा रही हैं, बच्चों के बारे में फैक्ट जो है कोर्ट में नहीं रखे जा रहे हैं, केवल वहां पर ये मेरे संगठन का है, ये मेरे संगठन का है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है, यही बात चल रहा है वहां पर। और वकील के सामने एक एक बच्चे के पीछे तीन तीन वकील पहुंच जाते हैं और तीनों वकील अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, आज 21 तारीख खत्म हो गई, हमें 5-10 दिन का टाइम दीजिए, हम एक एक बच्चे की जमानत के लिए
सरकार के साथ बात करेंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं पूरी ईमानदारी से, हमने सबके इकट्ठे की है। अगर हमने जो है हमने ये तय कर लिया है, कमेटी बना दी है, और ये कमेटी आपके बच्चों की जिम्मेदारी को लेती है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जमानत कराने के लिए पैसा मांगे, जेल में बच्चे को पैसा देने के लिए पैसा मांगे, एक भी पैसा ना दीजिएगा। हमें यह भी पता है क्या क्या चल रहा है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। तो भाइयों बहनों, ये समिति सीरियसली आपके बच्चों की जमानत कराना चाहती है, और इस हफ्ते में हम सरकार के साथ बात करेंगे जमानत पर। वकीलों से हमारी बात चल रही है, और बाबा साहब ने और गुरु महाराज ने चाहा तो आपके बच्चे सम्मान सहित आपके घर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।